लेकिन अब फलोदी सट्टा बाजार ने इन 4 सीटों के भाव भी जारी कर दिए हैं, साथ ही बाकी बची हुई 21 सीटों पर भी कुछ बदलाव किया है। उन सभी के बारे में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आप सबसे पहले आपने पूछा अलवर के बारे में, जैसे अलवर के बारे में मैं आपको बताऊं तो अलवर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं भूपेंद्र यादव जी, जो मंत्री जी हैं केंद्र में, और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ललित यादव जी। यहाँ पर चुनाव यादव वर्सेज यादव हो गया था जी। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार को आधार लेके माने तो बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का भाव 70 से 75 पैसा चल रहा है, वहीं ललित यादव का भाव 1 रुपए 40 पैसे चल रहा है जी। यानी कि इसका साफ मतलब है कि फलोदी का सट्टा बाजार बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को इस सीट से विजेता मान रहा है जी। यहाँ पर चुनाव कांग्रेस ने लोकल वर्सेज बारीफ के मुद्दे पर लड़ा था जी। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार को आधार लें तो कांग्रेस अपने कैंपेनिंग में फेल होती हुई दिखाई। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।